टीम इंडिया के उप कप्तान केएल राहुल ने एशिया कप 2022 में होने वाले इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले मीडिया से बात की। इस बातचीत के दौरान राहुल ने कहा कि इस मैच में भारत पाकिस्तान को हराने उतरेगा। राहुल ने कहा है कि पिछली बार पाकिस्तान ने उन्हें हरा दिया था, इस बार टीम इंडिया को जवाब देना है। राहुल ने विराट कोहली की फॉर्म और शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी पर भी बात की। ANI ने राहुल को कोट करते हुए लिखा, बतौर प्लेयर्स और इंडियन टीम का हिस्सा होते हुए हम हमेशा इंडिया पाकिस्तान मैच का इंतजार करते हैं, क्योंकि हमारा मुकाबला ICC टूर्नामेंट्स में ही होता है। यह हमेशा रोमांचक होता है। हमारे लिए पाकिस्तान जैसी अच्छी टीम के खिलाफ खेलना एक अच्छा चैलेंज है। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस मैच से बहुत सारा इतिहास जुड़ा हुआ है। हमारी राइवलरी और मैच में अच्छी इंटेंसिटी रहती है। बतौर प्लेयर्स हम हमेशा इस मैच के बारे में सोचते हैं और ये हमारे लिए एक अच्छा चैलेंज है। राहुल ने इंडिया की अटैकिंग अप्रोच पर भी बात की। उन्होंने कहा, इंडियन टीम की नई अप्रोच देखकर मजा आता है। ये पिछले वर्ल्ड कप के बाद शुरू हुआ है। हम सब कप्तान की बात सुन रहे हैं और ऐसे ही खेलते रहेंगे। राहुल ने इसके बाद उस सवाल का जवाब दिया जो हर इंडियन फैन के दिमाग में चल रहा है। वो सवाल है विराट कोहली की फॉर्म को लेकर। कोहली की फॉर्म पर सवाल किए जाने पर राहुल ने कहा, हम सब चाहते हैं कि विराट फॉर्म में वापस आए। हम इसके लिए परेशान नहीं है। उनका माइंडसेट अब भी वैसा ही है। वो इंडिया के लिए मैच जीतना चाहते हैं, जैसा वो सालों से करते आए हैं। विराट वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। बाहर से लोग जो देखते हैं उससे उन पर कोई असर नहीं होता। विराट ने अपने लिए बेहतरीन मापदंड सेट किए हैं। वो भूखे हैं और इंडिया के लिए मैच जीतना चाहते हैं। KL ने आगे कहा, हम कमेंट्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इन चीज़ों से एक प्लेयर को बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। विराट जैसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर को बाहर के लोग क्या कह रहे हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें हाल ही में एक छोटा सा ब्रेक मिला और वो अपने गेम पर ध्यान दे रहे हैं। शाहीन अफरीदी एशिया कप से घुटने की चोट की वजह से बाहर हो गए हैं। इस पर बात करते हुए राहुल ने कहा, शाहीन एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है। अगर वो खेलते तो हमें अच्छा लगता, लेकिन वो बाहर हो गए हैं। इंडिया और पाकिस्तान का मैच 28 अगस्त को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। ये दोनों टीम्स का एशिया कप 2022 में पहला मैच होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी पुनीत ने। मैं निहारिका यादव, स्पोर्ट्स से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया। मिटाने खबरों का गैप, रोज रात 8 बजे आएगा ललन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें ललन टॉप ऐप।